बोल बोल मेरे यीशु की जय जय बोल, बोल 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 मेरे यीशु की जय बोल, बोल 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 मेरे यीशु की जय जय बोल, बोल 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 मेरे यीशु की जय बोल, बोल 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 मेरे यीशु की जय जय बोल, बोल 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 मेरे यीशु की जय बोल, बोल 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 मेरे यीशु की जय जय बोल। राजा यीशु आएगा, आएगा ओ आएगा, अपने साथ ले जाएगा, जाएगा ले जाएगा। राजा यीशु आएगा, आएगा ओ आएगा, अपने साथ ले जाएगा, जाएगा ले जाएगा। उसकी हम स्तुति करेंगे, उसकी हम महिमा करेंगे, उसकी हम स्तुति करेंगे, उसकी हम महिमा करेंगे। शुरुआत प्रार्थना से हम लोग अभी ये हिंदी आराधना शुरुआत करेंगे। परम पिता, हम आपका चरणों पर हम लोग अभी आया है ये रविवार, आपका चरणों पर मैं सौंप दे रहा हूँ। हम लोग दुआ कर रहा है कि ये हिंदी आराधना आगे बढ़े, सबको हिंदी भाषा में आपका सुसमाचार प्रकट हो और सब लोग को यीशु मसीह आपका एकलौता बेटा, परम पिता का बेटा है और प्रभु है करके वो हम लोग को आगे बढ़ाओ। अभी जब सब लोग आया यहाँ इकट्ठा हुआ, आपका कृपा से दया से सब लोग और भी आने के लिए सब लोग को विदा करो, आप आकर्षित करो, उन लोग यहाँ आए और आपके लिए गुनगुनाए और भक्ति गीत गाए, आपका महिमा प्रकट करे और गवाह दे और सबका मन में अब उनका गवाह उतरने के लिए विदा करो। सब लोग आपकी साक्षी बन के दुनिया में आने जाने के लिए विदा करो। क्वायर डायरेक्टर, क्वायर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो गीत उन लोग गा रहा है उनका साथ रहिए, प्रत्येक गीत गाने वाले का साथ रहिए और बाइबल पठन पढ़ने वाला का साथ रहिए और उत्तरदायी पठन पढ़ने वाला का साथ रहिए और दूर से आने वाला सबके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और श्याम ग्रुप और प्रियंका ग्रुप और भारत एरनेस जी और महेश ग्रुप, महेश जी और जानी जी, सब लोग आ रहा है और सब लोग उनका दोस्त लोगों को और बोलने के लिए आप विदा करो। हिंदी आराधना आगे बढ़े, आप आशीष पाए, यीशु मसीह का नाम से ये प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमेन। और एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पहले बार मंदिर में कदम रखा, जिनका परिवार है विंसेंट जी, उनका परिवार, उनको हाथ जोड़कर मैं यीशु मसीह का नाम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नम्रता जी को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार ताली बजाएं के उनको स्वागत करेंगे। ओके बाय। ऐसे हम लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजा नहीं भेजा जो सर, और हिंदी आराधना हर रविवार 7:30 बजे से 9 बजे तक यहीं होगा यहाँ, तो पक्का करो। और कुछ नाश्ता वास्ता नहीं है उसका चिंता मत करो, सब लोग मैं आके पूछ रहे हैं, हम लोग स्पॉन्सर देगा और अगला रविवार के लिए हम लोग उसका इंतजाम करेंगे और बात करेंगे। जो देने वाला है उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए चिंता मत करो। और 9 बजे आप ठीक ठाक यहाँ से निकल के आप जाएगा तो नाश्ता का समय वही है, जो परमपिता ने जो भोजन हमको दे रहा है वही नाश्ता है अभी। तो ऐसे सबको आप प्रकट करो, सबको बोलिए, मतलब हिंदी आराधना हर रविवार 7:30 बजे से यहाँ होगा करके आप मुंह खोलकर आपका लब्दों से एक बात बोलिए। सब लोग को इकट्ठा करने का फर्ज अपना ऊपर है, फर्ज है या नहीं, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द गॉस्पल। तो टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर नाइबर, टेल ईच एंड एवरी वन, सो दैट
Hindi Aradhana is going on every Sunday at 7:30 p.m. onwards 9 o'clock. Okay? Come and be blessed. Abhi, Ishwar ne sansar ko itna pyar kiya. Ishwar ne sansar ko itna pyar kiya. Itna matlab kitna pyar kiya. Isu Masih ne sansar ko itna pyar kiya. Matlab wo bola itna matlab uska to koi ginti nahi hai. Kitna pyar kiya matlab wo yahan bata raha hai ki usne uske liye apne ek laute putr ko arpit kar diya. Ek laute beta matlab ek hi ek putr tha. Ek lauta putr ko wo arpit matlab balidan kar diya. Arpit matlab he sacrificed his only begotten son. He sacrificed his only begotten son. Usko ek hi ek putr hai parma pita ko. Wo parma pita ne Isu Masiha ko arpit kar diya. Matlab dena matlab de diya matlab kya hai unka ardh dena. He has given matlab he gave. What is meant by gave matlab arpit. Dena matlab arpit kar diya, balidan kar diya. Dena matlab aisa jo cheez hai diya wo tik tak hai, wo acha zindagi guzra aur acha khaya acha piya. Aise nahi jiya wo, bahut kasht uthaya gham uthaya aur zindagi bhar matlab wo jahan is duniya mein the tabhi unko wo khane ke liye bhook tha, khana bhi nahi mila, peene ke liye pani nahi mila. Isliye wo कहाँ कहाँ घूमते घूमते जाके एक कुआ का पास चले गया. वहाँ एक स्त्री थी, वो तो पानी तो खोज रही थी, वो पानी मांग रहा था पीने के लिए, पानी दे दो. मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इतना सफाई से ठीक से अपने जैसे उनका जीवन नहीं है, क्योंकि वो परम पिता का पुत्र एक लौते बेटे थे, एक लौते पुत्र थे. एक लौते पुत्र को इस दुनिया में कहीं जगह नहीं था टिकने के लिए, और कहीं जगह नहीं था सोने के लिए. उसको कुछ घरवर नहीं था, प्यार करने वाला नहीं था, प्यार वार कुछ नहीं था, उसको स्वागत करके बुलाने वाला कोई नहीं था. मतलब अकेला वो जिंदगी जी रहे थे, उनका साथ था और उनका प्रिया पिता स्वर्गीय पिता यहोवा, यहोवा उनका साथ था, यहोवा उनका साथ था, इसलिए वो आगे बढ़ा. मतलब यीशु मसीह ने प्यार किया, उससे पहले उनका पिता स्वर्गीय पिता मतलब हमारा द क्रिएटर द गॉड यहोवा, ही हैज गिवन इट चाइल्ड. उसने क्यों अर्पित कर दिया, मतलब वो प्यार कर रहे थे किसको, सब दुनिया वालों सबको. एक को नहीं, दूसरा वो लोग नहीं. देर इज नो पार्शियलिटी एट ऑल इन लव. गॉड इज ए लविंग गॉड. परम पिता ने सब लोगों को प्यार किया, वो सबको प्यार कर दिया. उनका प्यार इतना अच्छा था, नदी जैसे बह रहा था, अभी भी वो बहने लगा, इधर भी आ गया वो प्यार, कोने कोने में गली गली में दुनिया में सारा ओर चले गया. इसलिए सब लोग हम लोग अपने इरादा से इच्छा से यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ, मतलब कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा नहीं हुआ. सब लोग सोच रहे थे यीशु मसीह का साथ, दे फॉलोड ए मल्टीट्यूड ऑफ पीपल टू जीसस ऑन दोज डेज इन फर्स्ट सेंचुरी. उन लोग इतना लोग क्यों उनका साथ दे, मतलब खाने के लिए पीने के लिए आने वाले थे करके सब लोग सोच रही थे, नहीं खाने पीने के लिए आने वाला नहीं थे. उनका जो प्रवचन जो उन लोग मुँह से बोल रहा है, वो प्रवचन जिंदगी को ठीक करके जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने के लिए उनका प्रवचन था. जो बताने में उनका वो प्रवचन जिंदगी को भला करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए वो जिंदगी था. एंड ही ओपन्ड हिज माउथ एंड ही गेव द ब्यूटीट्यूड्स एंड ही ब्लेस्ड ऑल द पीपल. सो मल्टीट्यूड ऑफ पीपल फॉलोड हिम, नॉट फॉर ब्रेड, नॉट फॉर ड्रिंक एंड डाई. ये हम लोग जानना चाहिए. अभी सब लोग नहीं आया, पर अगला रविवार आया था. इन लोग क्यों नहीं आया, मतलब सोच के उनके ऊपर मन नहीं लगाना. किसका ऊपर, भोजन में खाने में पीने में मत लगा. वो सब लोग क्या सोच रहे हैं, अरे अरे नाश्ता के लिए आ गया, नाश्ता क्या करेगा,
पिस्ता क्या करेगा, जो खाने वाला क्या करेगा, उनसे बिना बेहतर ये अपना आहार है, दे रहा है भोजन, उसको हम लोग खाने के लिए आना चाहिए। वो तर्स अंदर रहना चाहिए, वो इरादा अंदर रहना चाहिए, वो अरमान हम लोग पूरा करना चाहिए। इसलिए परमपिता का अरमान जो है अंदर, इच्छा, जो इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह एकलौता बेटा ये वादा में यहाँ आया। वो कारण था, बिना कारण से धरती पर नहीं आया, एक कारण है। ही हैज ए रीजन अप्रोच हियर टू कम टू द वर्ल्ड, उसको ये कारण था, वो कारण से आया। कारण क्या, यीशु मसीह ने प्यार नहीं किया पहले, उसका पिता ने प्यार किया, सब लोगों को प्यार किया। प्यार का मतलब ये है, प्यार का मतलब लब्दों में और शब्दों में हम लोग दिखाते हैं, बड़ा प्यार करता हूँ, इतना खूब प्यार करता हूँ, तुम मेरा लाडला हो, तुम मेरा लाडला हो। यू आर एन एपल ऑफ माई आई, यू से दिस प्रेज, यू आर एन एपल ऑफ माई आई, मेरे को, मैं अच्छा प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरा लाडला है। बेटा को बोलते हैं हम लोग, मैं, तुम मेरा लाडला हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बातों में रहता है हम लोग, पर शब्दों में दिखाते हैं। यीशु मसीह ने बोल रहा है यहाँ, स्वर्गीय पिता ने, प्यार का मतलब जो है, प्यार किया परम पिता मतलब उतना एकलौता पुत्र को यहाँ भेज दिया। किस लिए? अच्छा जिंदगी बिताने के लिए नहीं, हम लोग अपना लड़कों को, अपना बेटों को, बेटियों को भेजते हैं कहीं अब्रॉड, भेजते हैं कहीं अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, कहीं पार और हम लोग चले जाते हैं, इंडिया में, भारत में, कहीं कहीं और हम लोग चले जाते हैं। हम लोग जान मुझ के हम लोग भेजते हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाई, उन्नत पढ़ाई का और लोग प्राप्त करें और अच्छा कमाए, अच्छा ठीक ठाक से हम लोग रहें, इसलिए हम भेजते हैं। नहीं, कोई अर्पण के लिए नहीं भेजते हैं, वहाँ जाके बलिदान हो गया। We never send people to sacrifice something. We never send our sons or daughters to go and decimate themselves, kill themselves. वो अर्पित होने के लिए नहीं भेजते हैं, लेकिन उन्नत जीवन प्राप्त करने के लिए हम लोग भेजते हैं। पर स्वर्गीय पिता ने हम लोग को प्यार किया, हमारा भलाई के लिए उन्होंने उनका एकलौता बेटा को कुर्बान कर दिया। कुर्बान का मतलब he has killed his only son to die for our sins. और that is called sacrifice. उन्हें अर्पित कर दिया सबके लिए। जिनका जो लहू बहाया नदी जैसे, वो नदी अभी बहा रहा है, उन बहाना वो लहू से, रक्त से, मतलब उनका कुर्बानी से हम लोग एक लौटा बेटा का प्रिय पुत्र हम भी बन गया। इसलिए बता रहे वो इतना प्यार किया, मैं बोलता हूँ कितना, हम भी बोलते हैं आप इतना प्यार किया, कितना कितना मतलब उसने हाथ ऐसे फैला दिया, इनफाइनाइट, यस इसने इनफाइनाइट, कितना मतलब इनफाइनाइट, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें प्रॉब्लम है सब में, इनफाइनाइट मतलब इट इज़ नॉट सॉल्व, द प्रॉब्लम इज बैफलिंग वन, द प्रॉब्लम इज बैफलिंग वन, द बैफलिंग प्रॉब्लम्स विल नेवर बी सॉल्व, यस इनफाइनाइट इन मैथमेटिक्स। सो इनफाइनाइट प्रॉब्लम जो है, अभी यीशु मसीह ने आके उसको रिसॉल्व कर दिया। कैसे मतलब, यीशु मसीह को भेज दिया, अर्पित कर दिया, उनका कुर्बानी से हम लोग प्यार किए। इतना मतलब ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स, हिज आर्म्स, लाइक स्ट्रेचिंग आउट, हाउ मच, ऐसे कर दिया, ऐसे मतलब मैं ऐसे दिखाता, नेलिंग ऑन द क्रॉस, स्ट्रेचिंग ऑन द सेंस, नेलिंग ऑन द क्रॉस, ही हैज स्ट्रेच हिज हैंड्स एंड नेलिंग ऑन द क्रॉस एंड क्रूसीफाइड, इज क्रूसीफाइड ऑन द क्रॉस, बिकॉज उनके लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, उसका स्वार्थ के लिए वो उनका हाथ नहीं फैलाया और कुर्बानी नहीं किया। जो कुर्बानी उनके लिए नहीं है, कुर्बानी सबके लिए वो कुर्बान हो गया। मैं बोलता हूँ अगर तुम लोग मुझे पूछे आपका प्राण दे दो, मैं मुझको पूछे कुछ कुर्बानी करो, मैं कुर्बानी पेन दे सकता हूँ, बट आई कैन डू, आई कैन सेक्रीफाइस दिस थिंग, आई कैन सेक्रीफाइस वन कप ऑफ टी फॉर यू, आई कैन सेक्रीफाइस माई वन डे मील और वन आफ्टरनून और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता मैं कुर्बानी कर सकता हूँ, लेकिन मैं, मेरा लहू जो अंदर बह रहा है, मैं किसी को नहीं कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, मैं मेरी नहीं, जो रक्त चले गया, लहू चले गया तो जीने वाला नहीं, इसको कोई बलिदान नहीं करेगा, अर्पित नहीं करेगा। ऐसे जो बलिदान था ये वस्तु में नहीं, ही डिड नॉट गिव ए मेटेरियलिस्टिक सेक्रीफाइस,
He himself gave his life on the cross because वो ही है प्यार, वो ये प्यार ही प्यार, वो ही है हम प्यार ही प्यार, लब्दों में प्यार ही प्यार, उनका जिंदगी बर्बाद नहीं किया, कुर्बानी किया, इसलिए आओ यीशु मसीह ने कुर्बान किया, अर्पित हो गया और बोल रहा है कि उनसे कोई उनमें विश्वास करे, whomsoever believes in him, उनमें विश्वास करो, कोई ने कुर्बान किया, लहू बहाया, उनका ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, उनका ऊपर विश्वास मत करो, लोगों का जो लोग हैं उनका ऊपर विश्वास मत करो, उनका साथ मत चलो, उनका संग मत रहो, उनसे मिलते जुलते नहीं रहो, आप मिलते जुलते उनका साथ चले तो हम लोग को क्या होगा, धोखा हो जाएगा, हम लोग क्या होगा, बेईमान हो जाएंगे, हम लोग ऐसे नष्ट उठाएंगे कि ऐसे प्यार उन जैसे प्यार नहीं मिलेगा, वो परम पिता का प्यार है, वही प्यार हम लोग बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ए फिलियन लव, इट्स नॉट अदर लव, इज अ लव ऑफ अगापे, वो उनका प्यार में स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि उनमें विश्वास करो, वो नाशन नहीं होगा, सर्वनाश नहीं होगा, और उनका क्या उन्नत जीवन प्राप्त करेगा, मतलब ही विल गेट द इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ यहाँ तो नहीं है, यहाँ इटर्नल लाइफ बनाने के लिए एक मंच है, वही उनको स्तुति करे, आराधना करे, इसलिए अच्छा गाना इन लोग गाया, भक्ति गीत मैं स्तुति में तेरी स्तुति में करूँ, तेरी स्तुति में करूँ आराधना करूँ दिल से तेरी स्तुति में करूँ आराधना करूँ दिल से किससे करना, दिल से आराधना, दिल से स्तुति करो, और का ऊपर मतलब उनमें विश्वास करो, दिल से करो, जब हम लोग उन्नत जीवन प्राप्त करेगा, वो उन्नत जीवन प्राप्त करने के लिए स्तुति करो, आराधना करो, आप गवाह बन जाए, यू बिकम एंथुसियास्टिक विटनेस टू गॉड, आपको जो समय दिया है आओ गुनगुनाओ और उनका महिमा प्रकट करो, जो वरदान आपको दिया गया है, वरदान मेरे को दिया है, ऐसे सब लोग को मोटिवेट करने के लिए, उनका जो बात मेरा ऊपर मेरा अंदर सौंप दिया, वो बात को मैं बोलने के लिए आया हूँ, प्रवचन को बोलने के लिए, जो वरदान आपको दिया वो वरदान आप यहाँ आके फेस कर सकते हैं, जो गाना आप गा रहा है आपका नहीं है, वो परमपिता ने आपको दे दिया, जो आप अच्छा गिटारा प्ले कर रहा है वो वरदान तो यीशु मसीह ने परमपिता ने आपको दे दिया, जो वरदान है कुछ भी हो, गाना गाना और गिटारा प्ले करना, म्यूजिशियन बनना और उसका सुसमाचार बढ़ाना, सब उनका वरदान है, वो वरदान फेस करने के लिए मौका मिलेगा, ऐसे वी कैन पे अ वे और वी कैन मेक अ वे टू हेवन, इसलिए बोलता है कि उन पे विश्वास करो तो उन्नत जीवन आप प्राप्त करेगा, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ, वी आर नॉट गैदर टुगेदर हियर एक्सीडेंटली, एंड इट्स गॉड्स वर्ड, एंड उनका जो इरादा इच्छा उनका प्लान था आने के लिए, और वहाँ यहाँ इकट्ठा हुआ, अचानक नहीं हुआ, ऐसे आते आते जाते ऐसे आ गया, मैं कहीं जाते ऐसे वो आ गया, ऐसे मत बोलो, देयर इज अ प्लान ईच एंड एवरी वन हु गैदर टुगेदर एज अ स्मॉल फ्लॉक, सो यहाँ इकट्ठा हुआ तो उनका अरमान पूरा करने के लिए, उनका ऊपर विश्वास करो, कभी बदलेगा नहीं, मैं बदल जाता हूँ, या पास्टर आई चेंज, यू विल गेट ए सी चेंज इन मी समवेयर बिकॉज आई एम फ्लैश एंड ब्लड, एंड द गॉड हु केम मैनिफेस्टेड इन फ्लैश एंड ब्लड बट ही लुक्स लाइक ए मैन बट इज न मैन इज ए गॉड इन साइड ए स्पिरिट ऑफ गॉड, तो वो कभी बदलेगा नहीं, आप बदलते हुए कभी देखा उनका बातों को, कभी वोट पकड़ो, योहन्ना ओ 3:16 में यही लिखा है, सेंट जॉन चैप्टर 3:16 में जो लिखा है, कभी द फर्स्ट सेंचुरी एंड अभी हम लोग पढ़ रहा है अभी भी एक ही तरह है, उनका बात उनका जो कुछ भी दिल बदलेगा नहीं, उनका प्यार बदलेगा नहीं, उनका जो इरादा बदलेगा नहीं, उनका उनका जो विश्वास आपका ऊपर है वो बदलेगा नहीं, इसलिए बोल रहा वो बदलने वाला नहीं है, उनका प्यार बदलते नहीं है, एंड वी चेंज क्रोनोलॉजिकली, वी चेंज क्रोनोलॉजिकली, वी चेंज बाय मनी, वी चेंज बाय पावर, वी चेंज बाय समथिंग एंड समथिंग, गॉड इज कभी भी वो
बदलता नहीं, उनका ऐसे ऐसे रह जाता है उसका प्यार। इसलिए वो कुर्बानी हमको पूछ रहे। यीशु परम पिता ने प्यार किया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और हम लोग को क्या बोल रहा है वो, मुझे भी प्यार करो, पूछेगा नहीं पूछेगा? आप ऐसे है, मतलब आपको समझ में नहीं आया। वो तो उनका एकलौता बेटा को अर्पित कर दिया, वो प्यार करके बताया। कुर्बानी प्यार है। हम सब लोगों को क्या बोला, मुक्ति देने के लिए वो भेज दिया। और यीशु मसीहा भी एकलौता बेटा करके वो आ गया, उनका बात मान लिया। और हम लोग से कुछ इरादा है, कुछ वो पूछ रहा है हम लोग को। यीशु मसीह परम पिता, मैं ऐसे आपको प्यार किया, वैसा ही प्यार मुझको करो। हम लोग कैसे प्यार कर सकते हैं उनको? हम बोल रहे मनोहर को अर्पित करेंगे, उसको मार डालेंगे, ऐसे नहीं। उनको गला पोट के खोट के नहीं मराओ, और वो उसको कुछ भी मत करो। मैं उनके लिए ऐसे अर्पित होने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोल के, मैं असर से बोल के, अंदर का जो ताकत से बोल के, सब लोग को मोटिवेट करने के लिए, जो खून मेरा अंदर बह रहा है उनको मैं दे दे रहा हूँ, वही अर्पण है। और मैं बाग बाग के जहाँ जाके मैं चिल्ला के उनका प्यार नदी जैसे बहाता हूँ, वही है उनको प्यार करना। और आके यहाँ गवाह बनता हूँ, वही उसको प्यार करना। आपका जो अरमान विदा दे दिया, वरदान, जो वरदान को आप फेस करेगा, वही उनको प्यार करना। और बोलता है कि रोमन चैप्टर 12 एंड वर्सेस 1-1, हिब्रू चैप्टर 12:1-2, आपने क्या पढ़ा बाइबल में, उसमें वनप्लों को अपना शरीर को उनको देना चाहिए। मतलब आप आ गया, उनका शरीर दे दिया आपको, और हमका अपना समय जो है उनको देना चाहिए, अपना पास कितना भी हो उनको समर्पित करना चाहिए। ऐसे हम लोग देते देते प्यार करना चाहिए, जो वरदान देते प्यार करना चाहिए, उसमें हम लोग विश्वास करना चाहिए। ऐसे दे के विश्वास करना है। एक लौटा बेटा को दे दिया और मुक्ति हम लोग आ गया, और उनका ऊपर विश्वास करे, हम लोग को उन्नत जीवन दे दिया। उन्नत जीवन के लिए कितना लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं हम लोग, कितना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं कुछ करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? करोड़ रुपया हम लोग नहीं खर्च कर रहा है, और लाखों रुपया नहीं खर्च कर रहा है। उनका जो प्यार और अलमोल से हम लोग आ रहा है, और उनका जो रक्षा, मतलब उनका अलमोल से हम लोग आ रहा है। किस कीमत हम लोग नहीं लगा रहे, कीमत में नहीं बिखरा नहीं है। बाहर का जो चीज है बाजार में बिकता है, इसलिए हम लोग जाता है बिकने के लिए और खरीदने के लिए। खरीदने वाला प्यार नहीं है, वो तो आपको ऐसे दे दिया। और उनका जो चीज कुछ भी अलमोल है, आप पा सकते हैं, आप आके पा सकते हैं। उन्नत जीवन के लिए हम लोग कुछ नहीं देना चाहिए। हम लोग आके ऐसे बैठे, उनके लिए सुने और उनके लिए बोले, सुने और बोले, सुने उनका बात अंदर रखो और बाहर बोल दो, आओ सुनो बोलो। वो मतलब कष्ट है पूरा, आपको कष्ट है ऐसे, आके सुने और बोलो। और प्यार मतलब कुर्बानी है। प्यार प्यार मतलब उनका बात, हम लोग उनका बात से हम लोग चलना। प्यार है, परम पिता ने प्यार किया, वैसे हम लोग भी प्यार करना है। बोलता है कि ऐसे तुम लोग भी प्यार करो। कैसे हम लोग प्यार करेंगे? अपना दोस्त को, अपना सहेलियों को, पड़ोसियों को, और जो कुछ भी लोग हैं, जब लोग आपका नाइबर है, यू लव दाई नाइबर, आप अपना पड़ोसियों को प्यार करो। जो प्यार मैंने किया वो प्यार से उनको प्यार करो, और सबको लिए आप यही गवाह बन के रहो। यही यीशु मसीह का जो कहना है यूहन्ना में, मैं समर्पित करना चाहता हूँ। एव इतना प्यार किया, मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, इतना आद बढ़ाओ हम लोग। इस आद बढ़ाना कॉल्ड फेलोशिप। ऑलवेज आई टेल यू, व्हेन यू स्ट्रेच आउट योर हैंड्स और आर्म, इट्स कॉल्ड ए फेलोशिप। स्ट्रेच आउट योर हैंड फॉर द नाइबर, को आपका बगल में कोई रह रहा है तो उसको बहाओ आद। और आगे कोई आया, एक मुस्कान दे दो, एक मुस्कान से बोलो प्रेज द लॉर्ड, इट्स आद आगे बढ़ाओ। स्ट्रेच आउट योर हैंड फॉरवर्ड, मेकिंग अ फ्रेंडशिप, हॉबनॉबिंग, वी कॉल इट हॉबनॉबिंग। मेक हॉबनॉबिंग
प्यार बहाते हुए एक मुस्कान स्माइल देते हुए ऐसे हाथ बढ़ा वो फेलोशिप आपका बगल में कौन है यहाँ कौन है वो अगल बगल में रहने वाला कभी इकट्ठा करके लेके आओ वही आपका प्यार करना तरीका है वो दोबारा और वो अर्पित हो गया हम लोग भी अर्पित होने का वो मतलब मैंने बताया वो अध्य है उसके लिए गाना है गुनगुना है सुसमाचार बढ़ाना है उनके लिए आना है उनके लिए हम समय बिताना है उनके लिए हम लोग देना है तीन चीज आइए और समय दे दिए आपका जो शरीर दिया गया है आके बैठ के शरीर दे दिए और समय उन आपको हम लोग को कितना दिया उतने में कुछ तो उनको अर्पित करो ये ही प्यार करने का तरीका है ऐसे प्यार करने से उनका ऊपर विश्वास करने से हम लोग उन्नत जीवन वी विल रिलीज द किंगडम ऑफ गॉड वी विल रिलीज द किंगडम ऑफ गॉड उन्नत जीवन प्राप्त करने का यही शिक्षा है निकोदेमस वो बोलता है कि मैं कैसे उन्नत जीवन प्राप्त करूं मेरे पास कुछ भी ऐसे मतलब नहीं है बोला फॉलो मी एंड यू डेडिकेट एवरीथिंग सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू द पुअर पीपुल एंड यू फॉलो देन सेक्रीफाइस एंड फॉलो आपका नाइबर को आप प्यार करते हो तो यीशु मसीह जैसे अर्पित होने का जैसे हम लोग उनको भी हम लोग प्यार करना चाहिए मैं समर्पित करता हूँ अपना स्वर्गीय पिता ने सब दुनिया को प्यार किया वो इतना प्यार किया इतना प्यार किया इतना प्यार किया एकलौता बेटा को इस दुनिया में उन लोग भेज दिया और उनको अर्पित कुर्बान कर दिया हम उनका ऊपर विश्वास करें उन्नत जीवन प्राप्त करें मतलब परम पिता का पास हम लोग पहुँचे उनका पास हम लोग रहे और उन साथ रहे आपने 90 साम पढ़ा है ना वो बोल के करूँगा कब से हम लोग जनरेशन टू जनरेशन टुगेदर मतलब बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ एंड वी केम फ्रॉम देयर दैट इज आवर डेस्टिनी एंड द प्लेस ऑफ नॉड ए प्लेस टू नॉड ए प्लेस है वहाँ से हम लोग आया फिर वहाँ से जाने के लिए वहाँ हमेशा रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया है बंदोबस्त कर दिया है पूरा रहने के लिए जगह या मकान बना है वो तो मैंशन बना दिया है अपने लिए पूरा बना दिया है वहाँ पहुँचने के लिए हम लोग इतना कष्ट करना चाहिए समर्पित करता हूँ मैं समझ गया मतलब गॉड हैज सो लव सो मतलब कितना मालूम गॉड हैज सो लव दिस वर्ल्ड ही गेव हिज बिगॉटन एंड और एक वर्ड है He gave His only one, begotten Son to die for our sins. Whomsoever believeth in Him shall not perish. Perish मतलब वो नाशन नहीं होगा वो नाशन नहीं होगा वहाँ पहुँचेगा प्रार्थना करेंगे ये यहाँ तक मैं समर्पित करता हूँ ये वाक्य आप सब लोग को अंदर रखें और ध्यान करें और आगे बढ़े परम पिता आपका चरणों पर हम लोग आया है हम लोग प्यार करने का रीति और प्यार करने का रिवाज प्यार आप जैसे किया इसलिए आप एकलौता बेटा आप प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दुनिया पर भेज दिया हम उनका उनमें से हम लोग विश्वास करें और हम लोग उन्नत जीवन प्राप्त करें और कुर्बानी को हम लोग समझ के हम भी यीशु मसीह के लिए कुर्बान होने के लिए अपना धन अपना प्राण अपना समय हम लोग भी अर्पित करने के लिए विदा करो सब लोग जो समाचार सुना उन लोग को आशीष करो आगे बढ़ने का विदा करो यीशु मसीह का नाम से ये प्रार्थना समर्पित करता हूँ आमीन।